हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी जो क्रांति वीर कहलाते हैं शिक्षा के विभाग में, उन्होंने शिक्षा में गरीब जनता के लिए बहुत बड़ी क्रांति लाई जिसका उन्हें विदेश में भी सम्मान मिला। मगर हमारे देश भारत में हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा झूठी जो है सीबीआई की जांच करवाई गई जिसमें कोई सबूत नहीं मिले, फिर भी उन्हें अरेस्ट किया गया है। कल उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करती है और मांग करती है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को तत्काल छोड़ा जाए, नहीं तो ये प्रदर्शन अभी तो शांतिपूर्ण है, आगे उग्र होगा। रही सवाल परमिशन की, तो परमिशन कभी भी शिवराज सरकार की जो नीचे पुलिस है यहाँ पे वो कभी भी नहीं देती है, क्योंकि हर बार मांगते हैं 15 दिन का समय दिया जाता है। अरेस्ट हमारे सीएम को आज किया गया है और हम क्या 15 दिन बाद परमिशन लेके प्रदर्शन करेंगे? ये तो जनता के साथ वो है अत्याचार, जनता के बच्चों के साथ अत्याचार है। बीजेपी कार्यालय के सामने ही हमें प्रदर्शन करना था, क्योंकि हमारे डिप्टी सीएम को बीजेपी के द्वारा ही दिशा निर्देश पर अरेस्ट किया गया है। पार्टी का उग्र प्रदर्शन मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी के खिलाफ रखा गया है और पूरे जिले के कार्यकर्ता आज यहाँ पे बीजेपी कार्यालय के सामने इकट्ठे हुए हैं और आम आदमी पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और 14 मार्च को मनीष सिसोदिया और भगवंत मान जी भोपाल आ रहे हैं। नहीं, अभी कोई अरेस्ट नहीं, हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, अभी अरेस्ट नहीं किया है, हमने परमिशन ली थी, हमारा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। Thank you.
ترجمة